शाजापुर जिले के ग्राम रिछोदा में 18 अक्टूबर को हुए दर्दनाक हादसे के बाद शाजापुर विधानसभा से विधायक और वर्तमान जल संसाधन मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ग्राम रिछोदा पहुंचे। यहां उन्होंने पीड़ितों को सहायता राशि के रूप में 4 लाख के चेक वितरित किए। इस दौरान मंत्री कराड़ा ने मीडिया से चर्चा भी की। मीडिया से बात करते हुए मंत्री कराड़ा ने कुएं में बच्चों से भरी वेन गिरने के मामले में कहा कि जितने भी लोग इस प्रकरण में शामिल हैं, चाहे वो वेन का मालिक हो, ड्राइवर हो, स्कूल का संचालक हो, सभी पर कार्यवाही होगी। साथ ही मंत्री कराड़ा ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि 15 दिनों के अंदर जिले के सभी शासकीय और अशासकीय स्कूलों का सत्यापन करें और जैसी स्थिति है उसे दुरुस्त करवाएं। कल जो घटना हुई है, ये स्कूल की वैन बच्चों से भरी थी और ये इस बिना मुंडेर के कुएं में गिर गई। यहाँ के लोगों ने, इस मकान के लोगों ने और आसपास काम करने वाले लोगों ने बड़ी मेहनत करके 19 बच्चे थे उस वैन में, उनको बचाने का हिम्मतदार कार्य किया। और दुर्भाग्य की बात यह रही कि 3 बच्चे उसमें से एक्सपायर हो गए, बाकी को सबको सकुशल बचा लिया गया। उनका आज मेडिकल भी टेस्ट हुआ है, सब नॉर्मल हैं वो, और ऐसी अब कोई स्थिति नहीं है। जो क्षति परिवार को हुई है उसकी पूर्ति तो नहीं की जा सकती है, पर शासन अंतरिम तौर पर एक व्यवस्था के तौर पर थोड़ा सा मदद का प्रावधान किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि तत्काल पीड़ितों को राहत पहुंचाई जाए। उसी परिप्रेक्ष्य में 3 बच्चों को, उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया, 12 लाख रुपए, उनके अंत्येष्टि की राशि जो नियमानुसार है वो दी गई, और जितने लोग भी इस प्रकरण में शामिल हैं, चाहे वो स्कूल संचालक हो, टैक्सी ड्राइवर हो, टैक्सी का मालिक हो, या और जो लोग इससे संदर्भित आएंगे, उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त शासन कार्रवाई करेगा और उनको कानून के दरवाजे तक खड़े करेंगे, ताकि उनके इस कृत्य पर सजा प्राप्त हो सके, मिल सके उनको, और भविष्य में ये सुनिश्चित हो सके कि इतना गैर जिम्मेदाराना पूर्व तरीके से जो स्कूल चलाया जा रहा है या व्यवस्था की जा रही है, ये न की जाए। जिन लोगों ने भी शिक्षा विभाग से ऐसे खतरनाक जगह पर स्कूल चलाने की अनुमति दी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे हम लोग, और उसको निलंबन की कार्रवाई भी करेंगे तत्काल, और उसके खिलाफ FIR दर्ज करके कानूनी तौर पर उस पर भी शिकंजा कसने का काम करेंगे। JSR टाइम्स के लिए शाजापुर से शफीक खान की रिपोर्ट।